टी20 वर्ल्ड कप क्वालिफायर एशिया का पहला मैच नेपाल वर्सेज सिंगापुर। और जैसी शुरुआत की हमें आकांक्षा थी, जैसी शुरुआत की हमें इच्छा थी, वैसी शुरुआत तो नेपाल को मिल चुकी है, क्योंकि बॉलर्स ने जो कारनामा करके दिखाया है, क्योंकि बॉलर्स ने जिस तरह से रोका है अचानक से, वो चीज वास्तव में अनबिलीवेबल सी लग रही है। नमस्कार, मैं PM DNA सिंह और आप देख रहे हैं कमाल यार। इस वीडियो में कंप्लीटली चर्चा करेंगे कि किस तरह से एक बार ऐसा लग रहा था कि सिंगापुर बहुत बड़ा स्कोर करने में कामयाब हो जाएगा 200 प्लस का, लेकिन ऐसा नहीं होने दिया नेपाल के बॉलर्स ने। और एक्चुअल में ना केवल पर्टिकुलर एक बॉलर बल्कि नेपाल के सारे बॉलर्स ने आज अच्छा कारनामा करके दिखाया है। ऐसा क्या हुआ है वही जानेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। और अगर आप चैनल पे नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको कल अपडेट भी सबसे पहले मिल सके। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि पहले यहां पे बैटिंग चूज करा सिंगापुर ने, और जब शुरुआत करी थी एक विकेट जरूर यहां पे जीरो रन के ऊपर गिर गया था पहला ए दत्ता का दो गेंदों के अंदर, लेकिन उसके बाद जो शुरुआत मिली यहां पे रंग राजन के द्वारा, कुछ ऐसा प्रतीत हो रहा था कि सिंगापुर आज बहुत बड़ा स्कोर करेगा, लेकिन ऐसा नहीं होने दिया। मैं आपको बता दूं कि रंग राजन ने जरूर 46 रन की पारी खेली 30 गेंदों के अंदर, 9 चौके और एक छक्का लगाया। उनकी अगर स्ट्राइक रेट की बात करें तो उन्होंने 150 प्लस का स्ट्राइक रेट रखा। अगर बात करें यहाँ पे चंद्रमा हुन की तो उन्होंने 6 रन लगाए 10 गेंदों के अंदर, एक कोल ने 0 रन 4 गेंदों के अंदर, और शेंग ने लगाए 24 रन, एक बढ़िया पारी कह सकते हैं हम 26 गेंदों के अंदर। प्रकाश ने लगाए 7 रन 7 गेंदों के अंदर, वहीं पे ए चौधरी ने 37 रन की पारी खेली 26 गेंदों के अंदर 5 चौकों की मदद से। और अगर बात करें हम टी ओमान धूरी की तो उन्होंने 1 रन बनाया, और वहीं पे कृष्णा 0 रन बनाकर आउट हुए, लेकिन ए पुरी ने संभाला लास्ट में जाकर 13 रन की पारी खेली 8 गेंदों के अंदर, एक छक्का और एक चौका इनके बल्ले से आया, और रमेश ने एक गेंद में 1 रन लगाया, एक्स्ट्रा रन दिया यहाँ पे नेपाल के बॉलर्स ने 10, और इस तरह से 145 रन बनाए हैं जो यहाँ पे सिंगापुर की टीम है उसने 20 ओवरों के अंदर 9 विकेट गवा दिए। अगर बात करूँ यहाँ पे नेपाल के बॉलर्स की तो करण केसी आज फिर से धार में दिखाई दिए, 4 ओवरों में 36 रन जरूर दिए लेकिन 2 अहम विकेट भी लिए। सोमपाल कामी को आज विकेट नहीं मिला, लेकिन ए बोहरा ने आज वो कारनामा करके दिखाया है, और दिखाया है कि एक और बॉलर भी है जो कि बड़े विकेट ले सकता है। 4 ओवरों में रन उनको भी 43 पड़े, लेकिन एक मैडन भी था, और इसके साथ साथ इन्होंने 3 विकेट चटकाए। संदीप लामिछानी सबसे किफायती बॉलर हमेशा से रहते रहे हैं, 4 ओवरों में मात्र 18 रन खर्च करे और 2 अहम विकेट भी लिए। उनकी इकोनॉमी सबसे बढ़िया 4.5 की इस मैच के अंदर। अगर बात करें गुलशन जा की तो उन्होंने 21 रन दिए 4 ओवरों में, और दूसरे इकोनॉमी के अंदर सबसे अच्छे, और विकेट उन्होंने भी 2 लिए। इस तरह से यहां पे जो सिंगापुर की टीम कुछ बड़ा करने वाली थी उसे एक पर्टिकुलर स्कोर पर रोक दिया, 145 रन यानी कि 146 रन चाहिए नेपाल को जीत के लिए, और ये कोई ज्यादा स्कोर नहीं होता 20 ओवरों के मैच के अंदर। 150 प्लस स्कोर कन्वेंशनल स्कोर होता है, और अगर बात करें 150 से नीचे की तो फिर बहुत कम स्कोर होता है। और हमने पिच देखा है कि किस तरह से यहां पे बढ़िया पिच है बैटिंग के लिए, अगर आप सही से खेलते हैं तो आसानी से इतने टारगेट को अचीव कर सकते हैं। तो अब यहां पे दारोमदार रहेगा जो बैट्समैन है उनके ऊपर, क्योंकि बॉलर्स को हम कतई दोष नहीं दे सकते, उन्होंने रोका है अंडर 150 रनों के अंदर, तो ये स्कोर सूटेबल स्कोर है ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि ये वर्ल्ड कप क्वालिफाई लेवल है और इसके अंदर इतना ही स्कोर नहीं बने तो फिर क्या बनेगा, ये भी आप समझ सकते हैं। तो दोस्तों, क्या आपको लगता है कि नेपाल के बॉलर्स ने अपनी तरफ से पूरा कारनामा करके दिखा दिया है? अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। चलिए आज के लिए इतना रखते हैं, अगले अपडेट मिलता है फिर आपके सामने आ जाऊंगा। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको अपडेट भी सबसे पहले मिल सके।